गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सम अदर क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक। तो देखिए, कल हमने जो टॉपिक से जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए, सोप जो होती है, बेसिकली सोप जो होती है वो केवल सॉफ्ट वाटर में ही क्या करती है, डट्स को क्लीन करती है। बट जो डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में अच्छी तरीके से धुलाई कर सकता है, डट को हटा सकता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि सोप जो था वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन थे उन पे वो इजीली वर्क नहीं करता, और ये यहाँ पे डिटर्जेंट जो होता है उनके साथ इजीली वर्क कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टर व्हेन बोन गेट्स फ्रैक्चर्ड, यानी कौन सा सब्सटेंस। बेसिकली देखिए, जो अपन यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको अपन पीओपी बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये होता है पीओपी। सी कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं, बेसिकली ये यूज किया जाता है। बट देखिए, जब ये जो ये तो होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बोलते हैं इसको, ये तो कैल्शियम, ये तो होता है पीओपी। और CaSO4 2 H2, ये जो होता है इसको बोलते हैं जिप्सम, ये होता है जिप्सम। ये जिप्सम जो होता है ये ब्रिक होकर किस में कन्वर्ट होता है, ये पीओपी में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये जो पीओपी होता है इसका यूज किया जाता है कहाँ पे, जो भी बोन्स ब्रिक हो जाती है फ्रैक्चर्ड बोन्स को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन इज 1×10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, आल्सो स्टेट द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो देखिए, तो पीएच जो था, तो पीएच का जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो पीएच इक्वल माइनस लॉग 10 एच प्लस आयन, ये था ओके। अब यहाँ हमें एच प्लस आयन की क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, 1×10⁴ ग्राम पर मोल लीटर दे रखी है ओके। ग्राम 1×10⁴ एच की हमें वैल्यू दे रखी है। अब हमें पीएच निकालना है इसका, तो पी एच इज इक्वल माइनस लॉग 10, एच कितना है 1×10⁻⁴। अब देखिए, ये है, इसको अपन चेंज कर देंगे, इस तरफ लेके आ जाएंगे इसको, पी एच इज इक्वल, ये माइनस था पहले से और ये माइनस का 10×10⁴ लॉग 10 ओके। अब देखिए, पी एच इक्वल, ये माइनस है, ये माइनस, यहाँ अपन शिफ्ट कर रहे थे यहाँ, लेकिन इसका दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं करें इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 4 लॉग 10⁻⁰ हो जाएगा। अब लॉग 10⁻⁰ की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1 होती है, लॉग 10⁻⁰ की वैल्यू होती है 1। तो इसके अकॉर्डिंग अब अपन क्या लिखेंगे, इसकी जो ओरिजिनल निकलेगा वो होगा पी एच इज इक्वल 4×1, तो कितना हो जाएगा, पी एच वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4, पी एच कितनी हो जाएगी 4, पी एच कितनी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पी एच की वैल्यू कितनी है अपनी, 4 आई। और जो इसका जो पी एच स्केल होती है, यहाँ पे 7 होता है और मोर देन कितना होता है, ये मोर देन होता है बेसिक, मोर देन होता है बेसिक, और लेस देन कितना होता है एसिडिक। तो इसकी पीएच की वैल्यू कितनी, प्लस 4 आई, इसका मतलब प्लस 4 है, इसका मतलब ये कितनी हो गई, लेस देन 7, इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व आ जाएगा। तो अपने देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एच आयन की वैल्यू दे रखी है, एच 1×10⁴ दे रखी है, और जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीएच इक्वल माइनस लॉग 10⁻⁹ एच प्लस आयन। अब देखिए, यहाँ हमने इसमें ये वैल्यू पुट की है, यहाँ पे माइनस लॉग 10×10⁻⁴। अब देखिए, ये माइनस का 4 है, इधर इसको माइनस का 4 लेके आएंगे, ये पहले से माइनस था इसलिए पहले माइनस लगा दिया। अब लॉग 10×1×10 कितना होता है 10, इसलिए 10 लगा दिया
या माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस नहीं होगा, इस तरफ लेके आते इक्वल के साइन की इस तरफ लेके आते शिफ्ट करते तब क्या होता है, ये प्लस का हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ इसका पहले से चेंज किया, इसको पूरी तरीके शिफ्ट नहीं किया है। पी एच इज इक्वल यहाँ पे 4 आ जाएगा। लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लॉग 10 टू द पावर 10 की वैल्यू होती है 1, इसलिए यहाँ पे जो इसका जो जनरेटर निकल के आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, और प्लस 4 आने पर इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, राइट द नेम ऑफ यूज ऑफ एनी टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टू बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए टू स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर अपन बात करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर अपन बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो एक तो HCl हो जाएगा, एक H2SO4 हो जाएगा, ओके, और एंड टू स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा आपका NaOH एंड NH4OH, ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार HCl H2SO4 एंड NaOH NH4OH ये क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इनकी यूज एसिड का यूज कहाँ पे होता है, बेस का यूज कहाँ होता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज होने पर क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंट क्या होता है। देखिए सोप जो होती है वो केवल सॉफ्ट वाटर में ही क्या करती है, रिएक्ट करती है, डर्ट ऑयल वगैरह को ये हटा सकती है, बट ये जो डिटर्जेंट जो होता है ये क्या करता है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में क्या कर सकता है, ये डर्ट को हटा सकता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उस पर रिएक्ट कर सकता है डिटर्जेंट, बट सोप इस प्रकार से ये रिएक्शन नहीं कर सकती। डिटर्जेंट जो होता है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर सकता है, ये अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर सकता। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं, अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं, तो देखिए अरेनियस ने यह बताया था कि H प्लस आयन और OH माइनस इस पे बेस था, यानी कोई भी अगर स्पीसीज है H प्लस आयन क्या करती है, डोनेट करती है, H प्लस आयन अगर डोनेट करती है, H प्लस आयन रिलीज करती है, क्या करती है, H प्लस आयन रिलीज करती है, तो वो होगी एसिड, वो क्या होगी एसिड, और OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करती है, वो होगी आपकी बेस। तो ये अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग H प्लस आयन रिलीज होता है तो एसिड, और OH माइनस आयन रिलीज होता है तो वो होता है बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। जैसे HCl जो होता है, देखिए HCl जो होता है इसको अपन जैसे ही किसी सब्सटेंस में या किसी वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में इसको जैसे ही डिजोल्व करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो H प्लस आयन ये देगा, इसलिए ये क्या है एसिड। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा कि NaOH, तो देखिए Na प्लस OH माइनस आयन यानी हाइड्रोजन, तो ये तो बेस हो गया और ये क्या हो गया एसिड हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया और क्या हो गया एसिड हो गया। कैसे कि H प्लस आयन पे एसिड और OH माइनस आयन पे बेस हो जाएगा, इस प्रकार से ये एसिड बेस हो जाएंगे, इस प्रकार से ये एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। व्हाट इज pH, एक्सप्लेन द pH रेंज ऑफ एसिडिक एंड सॉल्यूशन। देखिए व्हाट इज pH क्या होता है, देखिए pH जो है वो एक स्केल होती है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं उसकी रेंज का पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो pH जो थी सबसे पहले ये सोरेनसन के द्वारा दी गई थी, यहाँ पे P का मतलब पावर होता है, P जो जर्मन वर्ड है इसका जो पोटेंस को कहते हैं, और पोटेंस पावर को या स्ट्रेंथ को डिनोटेट करता है। H प्लस आयन जो होता है, वो क्या करता है हाइड्रोजन आयन के बारे में बताता है, इन हाइड्रोजन आयन क्या होता है। अब देखिए इसकी जो रेंज होती है यानी 7 पे तो होता है न्यूट्रल, pH स्केल जो होती है 7 पे तो होता है न्यूट्रल, लेस देन 7 होता है एसिडिक और मोर देन 7 होता है बेसिक, इस प्रकार से ये अपनी pH स्केल की होती है जो सोरेनसन के द्वारा थ्रो ये डिस्कवर की गई थी। आई होप यहाँ तक ये आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।